क्या हुआ? क्या तकलीफ हो रही है आपको? डॉक्टर साहब, पेट में दर्द हो रहा बहुत। हाथ अलग करिए। सर क्या हुआ है? घबराइए मत, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आगे की स्थिति बताता हूँ आपको। सर आ गई रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट आ गई है। आपकी पत्नी को जो है सीए सर्विक्स की शिकायत है। सर हम समझे नहीं। साधारण भाषा में बोलें तो जो बच्चादानी रहती है उसके द्वार पे कैंसर की शिकायत है। कैंसर? इसका जो उपचार है वो ऑपरेशन है, इसमें 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप पैसे जमा कर देते हैं तो अपन ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। सर थोड़ी सा समय देंगे हमें आप? ठीक है, आप पैसों की व्यवस्था बनाइए, जितने जल्दी ऑपरेशन होगा उतना अच्छा है। जी सर। हे भगवान, कैसे मोड़ पे लाके खड़ो करूं तुमने ये गरीब की लाने। हेलो दयालु भैया। राम राम। राम राम सज्जन भैया। दयालु भैया, आपकी भाभी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बच्चा दानी को कैंसर बताओ है। भज्जा करवाए इलाज? इलाज तो करवाएं, लेकिन 4 से 5 लाख रुपया को खर्चा बताओ है। इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। दयालु भैया, आप कह रहे थे ना एक दिन 1 से लेकर लाख रुपया तक की जरूरत पड़े तो हमें बताइए। दुनिया बोल दे, इतने थोड़ी आगे अपनी खुद की जायदाद तुम्हारे लाने लुटा दे। दयालु भैया, जो एहसान हम पे कर दो, हम जिंदगी भर आपके आभारी रहे हैं। सज्जन भैया, तुम्हारे ते गान गुरिया हो तो भलाई तुम्हें पैसा हम दे सका थे, गिरवी रखे। आपके तो पता है हमारे पास गाने गुरिया कहाँ है। हाँ, जो तुम्हारे फुल की चाट के पैसा है जब चाहने सो जब ले लियो। दयालु भैया, जो एहसान हम पे कर दो। भज्जा कछु नहीं कर सका था, रख रख मन। रुको रुको, आराम से हम लिटाएं दे रहे। सुनो, हमने डॉक्टर साहब की पूरी बातें सुन ली हैं कि हमें कौन सी बीमारी है और कितना पैसा लगना है। हमें जो भी पता है कि अपने सज्जन को फोन भी लगा ला है, दोस्तों को और अपने परिवार वालों को सबने पैसों के लाना मना कर दी है। और हमें जो भी पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सरस्वती,
हम सोचते के हमारे दोस्त हमारे परिवार बारे हमारे ऐसे मुश्किल के समय पे हम आप साथ दे हैं, पर हमें माफ कर दो। भगवान के ते देर है अंधेर नैया, अपने ते कहते हैं ना भोले के भगवान होते हैं। हम भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकत। सुनो एक बात मानो आप हमारी, हमें पता है कि मैं नहीं बच पाने, आप अपना ध्यान रखियो हैं। कुछ करते हैं भैया, आपको बड़े डॉक्टर साहब बुला रहे ऊपर हमारे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, बैठिए जी। डॉक्टर साहब आपने हमें बुलाओ। मैंने आपकी पत्नी की फाइल देखी है, आपकी पत्नी का ऑपरेशन हो सकता है। सर उतने तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपका आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन उसे क्या हुई है? केंद्र सरकार द्वारा, अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा ये आयुष्मान कार्ड योजना संचालित की गई है। हाँ, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मामा शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा गाँव गाँव में आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं। इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। डॉक्टर साहब भाजपा सरकार गरीबों को इतना ध्यान दे रही है। और सुनो, इस आयुष्मान कार्ड में 1 साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है, यानी कि 5 साल में 25 लाख तक के इलाज का लाभ ले सकते हैं आप। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जा खुशखबरी हम अपनी पत्नी को सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल जाइए। गांव की फुआ हमें आई थी तबियत की पूछ में। अच्छा सरस्वती। हाँ। केन लगत है सियानी, जब को काम में ना आए भगवान कोनो ने कोनो फरिश्ता जरूर भेजा थे। कोई फरिश्ता बन के आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बन के आए। आज अपनी मुसीबत के समय घर परिवार दोस्तों ने सबने साथ छोड़ दो। अगर आयुष्मान कार्ड योजना ने चलाई होती भाजपा सरकार ने, फिर अपनों को में तो आप ना होती तो हम आपका होते।
हम नहीं होते, जा कहो। अगर भाजपा सरकार ने होती तो अपनों का हो तो। हाँ। जोन जोन के बीमारी के समय आयुष्मान कार्ड काम आओ हुई है, वो केवल जाई कह रहा हुई है। भाजपा सरकार, ये मोदी की सरकार, भाजपा सरकार, शिवराज की सरकार, जनता की सरकार आई है जनता के दरबार।